नाकिस मंसूबा बंदी या इदारों में राब्तों का फुकदान। एक्सपो कोरोना अस्पताल खदशात में घिर गया। बिजली गैस और पानी के बिल अदा ना होने पर कनेक्शन मुनकता होने का खतरा। सेंट्रल इंतजामिया ने सर्विसेज के बिलों की अदायगी बिल्डिंग किराए से मशरूत कर दी। जिले हुकूमत को अस्पताल की मद में 37 करोड़ 10 लाख का बिल इरसाल। कोरोना के बढ़ते वार, सूरत हाल संगीन से संगीन। लाहौर में मजीद 15 अमवात। 87 रोज में चाबहक अफराद की तादाद 283 हो गई। 24 घंटों में 967 नए केसेस। वबा से मुतासरा 20,000 से मुतजावज। पंजाब भर में मजमुई तौर पर 1,916 नए केसेस से मजमुई मरीज 40,819 और चाबहक 773। वजीर पंजाब लेबर अंसर मजीद समेत 8,293 मरीज सेहतयाब हो गए। वबा का मुसलसल फैलाव, सूरतेहाल मजीद खराब। वायरस के इंकशाफ पर लेस्को सब डिवीजन सील कर दिया। मुब्तला मुलाजमीन के अहलखाना भी कोरोना से मुतासर। पंजाब फूड अथॉरिटी का दफ्तर डिस इन्फेक्शन के लिए दूसरे रोज भी बंद। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के कोरोना में मुब्तला होने पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। अपोजिशन लीडर की मरियम औरंगजेब और ताहिरा औरंगजेब की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वबा से बचने के लिए शहरी एहतियात करें। लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। वायरस के खतरनाक फेज का आगाज। जनरल अस्पताल, PKLI, जिना अस्पताल की यूनिट फुल। सर्विसेज के 86%। गंगाराम में 70% बिस्तर भर गए। कोरोना के खिलाफ बलद बांग दावों की हकीकत खुल गई। एक्टेमरा इंजेक्शन के बाद तशखीसी टेस्ट के लिए किट्स भी खत्म। जनरल और जिन अस्पताल में सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल। 10 रोज बाद भी जान बचाने वाले इंजेक्शन की फराहमी मुमकिन ना बनाई जा सकी। विफाक की बैठक में भी पंजाब की जगहगाई। सूबे के अस्पतालों में कोरोना मरीजों को दाखिल ना करने की शिकायत पर हुकाम शाफी जवाब देने से महरूम। कोरोना मरीजों के लिए कायम ऐप का नाम भी ना बता सके। महकमा सेहत में बद इंतजामी। जिले और तहसील अस्पतालों की बगैर इजाजत महंगे इंजेक्शन की खरीदारी का इंकशाफ। प्राइमरी हेल्थ ने फौरी पाबंदी लगा दी। कोरोना मरीजों के लिए टेस्टी जुमैब इंजेक्शन लगाने का मामला एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को भिजवाने का फैसला। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। मुख्तलिफ मार्केटों में खिलाफ वर्जी पर 80 से ज्यादा दुकानें सील। 24,000 जुर्माना। 5 को हिरासत में ले लिया। 4 रोज में मजमुई तौर पर 1,156 दुकानें सील। 168 मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4,000 के करीब दुकानों को वार्निंग। बगैर मास्क 6,500 गाड़ियों के चालान। कोरोना के खिलाफ बुलंदोबांग दावे। विफाक की बैठक में पंजाब हुकूमत लाजवाब। सूबे के अस्पतालों में वायरस के मरीजों को दाखिल न करने की शिकायत पर 10,000 बेड्स मुख्तस करने का दावा, मगर हुकाम सबूत पेश करने में नाकाम। कोरोना मरीजों के लिए कायम की गई ऐप का नाम भी ना बता सके। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी। जायद असासाजात केस में तकरीबन 1.25 घंटा नैब सवालात के जवाबात दिए। सदर मुस्लिम लीग नून के नैब ऑफिस पहुंचने पर लीगी काकिनों का शानदार इस्तकबाल। इजहार यकजहती के लिए नारे। इमरान नजीर, गजाली सलीम बट, मिर्जा जावेद, तौसीफ शाह, राव शहाबुद्दीन समेत दीगर भी मौजूद। इस्तकबाली हुजूम में शामिल नजीर सवाती तबीयत खराब होने पर गिर पड़े। सिक्योरिटी अहलकारों ने साबिक वजीर आला के गार्ड्स को नैब ऑफिस दाखिले से रोक दिया। मुल्की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया गया। शहबाज शरीफ की पेशी लूट कर बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ है। वजीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन का अपोजिशन लीडर के नैब में पेश होने पर रद्द अमल। बोले, कानूनी शिकंजे से बच जाने की करप्ट माफिया की तवक्को खाम ख्याली है। निजी ऑयल कंपनियों की दादागिरी। 9 रोज भी पेट्रोल की किल्लत। 40% पंप बंद। सिर्फ PSO पंप्स पर पेट्रोल की फरोख जारी। शहरी ईंधन की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने लगे। हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की बासानी दस्तियाबी के लिए सख्त इकदाम का मुतालबा। नए माली साल में पंजाब के बजट का तखमीना 23 खरब 80 अरब। आमदनी सिर्फ 4 खरब 97 अरब। विफाक से मुहासिल की मत में 14 खरब 65 अरब मिलेंगे। क्रंक कैपिटल का तखमीना 7 खरब 42 अरब रुपए लगाया गया है।
नए माली साल का तरक्याती बजट, अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज मंजूर। पीएनडी बोर्ड ने विजात हाउसिंग की जानिब से भेजी गई तजवीज मंजूर की। रेवेन्यू वसूली में कमी और पंजाब हुकूमत की कटौतियां, बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे दूसरे साल तातुल का शिकार। पार्किंग मसाइल के बावजूद 4 पार्किंग प्लाजों की तामीर नए बजट में भी नामुमकिन। नए साल में 3 की जगह 2 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। पंजाब असेंबली का रवा इजलास ताखिर का शिकार। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत वक्फा सवालात के जवाबात इजलास में करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी प्राइवेट बिल पेश किया जाएगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब दूसरे सूबों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बरहम। विफाक के बराबर टैक्स वसूली के बावजूद दूसरे सूबों में रजिस्ट्रेशन पर महकमा एक्साइज से जवाब तलब कर लिया। पंजाब में चलने वाली गाड़ियों की पंजाब में ही रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा एक्साइज का शहरियों के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। लॉकडाउन से मुतासरा शहरियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 2 एक साथ में जमा करवाने की सहूलत मुतारे। जुर्माने भी मुतारे माफ करने का फैसला। टोकन टैक्स पर रियायत 5 से बढ़ाकर 10% की जाएगी। LTA मुलाजमीन के लिए इलाज मुआवजे की सहूलत में घपले। अद्वियात खायब करने के करोड़ों के स्कैंडल की तहकीकात नामुमकिन। छोड़कर नया हेल्थ सिस्टम लाने का फैसला। अफसरान और मुलाजमीन को 30 जून तक नया परफॉर्मा भरने की हिदायत। महंगी गंदम महंगा आटा, हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन बनाने पर तुल गई। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून ने आटा महंगा करने के खिलाफ तहरीक अल्तवा जमा करा दी। सूबाई हुकूमत से कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में इम्तिहान में कामयाबी। कुरान हकीम का निसाब पढ़ने से मशरूत। क्रेडिट आर्ट पर मुश्तमिल निसाब उर्दू या अंग्रेजी में पढ़ने का ऑप्शन भी होगा। गवर्नर पंजाब ने SOPs प्रो वाइस चांसलर को इरसाल कर दिए। निसाब जामियात में BS ऑनर्स की क्लासेस के लिए लाजमी करार दे दिया गया। सरकारी स्कूलों में दर्सी किताबों की तकसीम जारी। नए दाखिलों के सबब 3 लाख हिसाबी कुतुब की शॉर्टेज का सामना। महकमा स्कूल एजुकेशन का वाफिर स्टॉक मौजूद होने का दावा। नए तलबा के लिए किताबों की तकसीम के अलग सेशन का ऐलान। महकमा तालीम का असासा के तबादलों पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। कल से 95 मुख्तलिफ पोस्ट पर तबादलों का आगाज। मासूर असासा को तरजीह दी जाएगी। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हेडमास्टर की खाली असामियों पर दरख्वास्त देने के अहल होंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। 28 पैसे महंगा होने से डॉलर 163.09 रुपए का हो गया। बजट से कबल महंगाई की लहर। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया की महंगे दामों फरोख जारी। लहसुन 250, अदरक 350, आलू 60 से 70 रुपए फी किलो में फरोख। प्याज 30 से 40, खीरा 60 से 80, भिंडी 100 रुपए किलो में फरोख। ब्रायलर के नरखों में 21 रुपए फी किलो की मजीद कमी। 4 रोज में 44 रुपए कम हो गए। जिंदा मुर्गी 173 रुपए किलो पर दस्तियाब। ब्रॉयलर ट्रेडर्स एसोसिएशन का ब्रॉयलर की तलब रसद में तवाजुन पर इजहार इत्मीनान। पैदावारी लागत कम करने पर जोर। हाई कोर्ट में अदम पेशी पर कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को नोटिस। जस्टिस शाहिद वहीद की तौहीन अदालत की कार्यवाही की तंबीह। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर फौरी अदालत पहुंचकर एडवोकेट जनरल से मुशावरत। अदालत में जेर समात विरासती तनाजे पर पुलिस हिरासा कर रही है। शहरी की CCPO और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। हाई कोर्ट ने 25 जून को जवाब तलब कर लिया। शहबाज ततला कत्ल केस में शरीक मुलजम की दरख्वास्त जमानत पर समात। एडिशनल सेशन जज ने पुलिस रिपोर्ट तलब करते हुए समात 13 जून तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी की केस की समाअत। अदालत का खवातीन और बच्चों समेत 26 भट्टा मजदूरों को रिहा करने का हुक्म।
जस्टिस अली बाकी नशवी ने दरख्वास्त पर समाप्त की। एहतसाब अदालत में आमदन से ज्यादा असासों के केस की समाअत साबिक डीजीएल आहा चीमा के जुडिशियल एमाह में 13 जून तक तौसी। गवाह ताउल्लाह नवीद का बयान कलमबंद, अदालत ने आखिरी 5 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर दिया। नादरा का स्पेशल नायब का असर तबादला ना होने पर सोशल मीडिया पर आ गया। जिस्मानी माजूरी अहलकार का तवील फासला तय करने में दरपेश मुश्किलात का उजर पेश। घर के करीब तबादले के लिए हुक्काम बाला से मदद की अपील। पुलिस इंस्पेक्टर साथी अहलकारों समेत बगैर इजाजत घर में दाखिल हुआ, धौंस धमकी के हरबे आजमाए। किसी मुकदमे में मुलविस ना होने पर भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत किया, अदालत नोटिस ले और तादीबी कार्यवाही करे। खातून की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट का SHO समनाबाद को नोटिस, जवाब तलब। खातून को हिरासत करने से रोक दिया।